उसकी एक शॉर्ट असेसमेंट करेंगे जी तो स्टूडेंट्स अब हमने देखना है पेज नंबर 117 पर ओके टिक द करेक्ट ऑप्शन ऑब्जेक्ट्स आर इन इन अबंडेंस स्काई जी स्टार्स स्काई में बहुत ज्यादा स्टार्स होते हैं ना तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है स्पटनिक वन वॉज लॉन्च इन टू स्पेस बाय रशिया इन 1957 okay which system helps us to locate our position on the earth Gee, it is gps global positioning system the first man in space was yuri gagarin G. now a geostationary satellite completes its one round round the earth is 24 hours Chilling. ab kuch fill in the blanks kar lete pakistan launch its first geostationary satellite, Parkset IR on August 11 in 2011G. It was July 20 Dash when first human being stepped on the moon. Shahana, it was 1969. Scientists use information from DASh to predict weather. It's weather satellites, okay. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ नासा चलिए द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग इन इट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी ओके अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं सबसे पहले आपने डिफाइन करना है स्पेस एक्सप्लोरेशन को आपको याद है ना स्पेस एक्सप्लोरेशन क्या थी बस बुक की मदद से आपने बता देना है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन क्या होती है What are four advantages of artificial satellites? तो आपने आर्टिफिशियल का टॉपिक खोलना है और उसके अंदर उसके यूजेस और उसके एडवांटेजेस को यहाँ पे ऐड कर देना है और नोट्स बना लेने हैं। नेचुरल सेटेलाइट बट हुईट इट इज अर्थ किसकी सेटेलाइट है सन की और यस ये भी एक नेचुरल सेटेलाइट है विच स्टार इज क्लोजेस्ट टू दर्थ

अब देखते हैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्क्राइब द रोल ऑफ नासा इन स्पेस एक्सप्लोरेशन तो बस आपने बुक का नासा वाला टॉपिक खोलना है और यहाँ पे इसके नोट्स बना लेने हैं वट डू यू नो अबाउट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जी आई एस एस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपने इस क्वेश्चन के आंसर में लिख देनी है विच हेल्प अस टू लोकेटेड पोजिशन एवरीवेयर ऑन दर्थ क्या था जीपीएस जीपीएस के बारे में लिखेंगे इसके अंदर आगे चलते हैं वट आर अल स्टॉन इन स्पेस टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स हमने पढ़े थे ना की माइल बस आपने वो सारे माइल को पढ़ना है याद करना है और यहाँ पे नोट्स बना लेने हैं हाउ कम्युनिकेशन सेटेलाइट इज इम्पोर्टेंट जी बताइए कम्युनिकेशन सेटेलाइट कैसे इंपॉर्टेंट है हमारी सारी कम्युनिकेशन इस सैटेलाइट के थ्रू होती हैं हमारे टेलीफोन्स हमारी बाकी की सारी कम्युनिकेशन न्यूज पेपर न्यूज चैनल ये सब कम्युनिकेशन सैटेलाइट से होते हैं तो आपने यही इसके अंदर राइट डाउन करना है अब आपने इन्वेस्टिगेट करना है एस्ट्रोनॉट हैव टू फेस हार्डशिप्स इन स्पेस एंड सम ऑफ देम कौन कौन सी हार्डशिप्स होती हैं स्पेस में फ्रेश फूड नहीं मिलता एक्सरसाइज नहीं कर सकते हेल्थ इश्यूज भी तो आ सकते हैं ना

लिंक्स को जरूर ओपन करना है ताकि आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो सके ये था हमारा स्पेस और सेटेलाइट का चैप्टर था ना मजेदार और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव चैप्टर आपको ये सारे इन्फॉर्मेश पहले तो नहीं पता थी ना इस चैप्टर में आपने इन सारी इन्फॉर्मेशन से फायदा उठाना है अपने फ्रेंड्स और कजन के साथ इन इन्फॉर्मेश को शेयर करना है और डिस्कशन करनी है इन टॉपिक्स पे ठीक है स्टूडेंट्स मैं आपसे एक नए टॉपिक में दोबारा मिलूंगी तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू अल्लाह हाफिज़